नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को नए साल के पहले ही दिन एक हथियार तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आरोपी के पास से पुलिस ने 5 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से अवैध हथियारों के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बस स्टैंड से एक व्यक्ति को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्ति के पास अवैध हथियार हैं। पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा और उसकी तलाशी ली, जो 5 पिस्टल और 5 जिंदा राउंड मिले हैं। आरोपी मुरैना जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। आरोपी का नाम श्याम सिंह तोमर बताया गया है, जो खंडवा से हथियार लाकर दूसरे शहर में बेचता था। कल सीमन पुलिस महोदय को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक ये स्टेशन रोड पर एक केसर अपार्टमेंट के पास में एक व्यक्ति हथियार लेके खड़ा हुआ है और मुरैना जाने की फिराक में है। सूचना के आधार पर हमें अवगत कराया गया। हमने क्राइम टीम के साथ जाकर वहाँ रेड की तो एक व्यक्ति मिला, उसका नाम श्याम सिंह मुरैना का रहने वाला है। उसके बैग को मैं तलाशी ली तो उसमें बैग में 5 पिस्टल और 32 गोर की और 5 जिंदा राउंड मिले। और उससे पूछताछ पर पता चला है खंडवा से लेके आया था। खंडवा जिस व्यक्ति से लेके आया उसका नाम नहीं जानता है और उस व्यक्ति को फ़ोन द्वारा उसने बुलवाया था, रास्ते में देके चला गया था। खंडवा से लेके आया था ये और मुरैना लेके जाने वाला था ये। इस संबंध में इसका PR लेके से पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहाँ से लेके आया, किस व्यक्ति लेके आया था और कहाँ किसको देने जा रहा था। और इसका पूरा अपराध रिकॉर्ड भी है। इस पर 4 अपराध पंजीबद्ध है, 3 दिमनी थाने में पंजीबद्ध है और 1 अम्बा थाने में पंजीबद्ध है। आयतन अपराधी है ये। अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी इसके PR लेके हम पूछताछ कर रहे हैं इस पर कि ये लेके किस व्यक्ति से आया, देने किस व्यक्ति को जा रहा था या खुद बेचना चाहिए। ये करीबन हाँ सेल आउट को बताया, इसने बताया कि हम लोग इसको 5 से 7 हज़ार रुपये में खरीद के लाते हैं इसको खंडवा से। रकम वगैरह कुछ नहीं मिली इसके पास में। 5 से 7 हज़ार रुपये में खरीद के लाते हैं और करीबन जैसा ग्राहक मिलता है 13 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये, 18 हज़ार रुपये तक इसको बिक्री कर देते हैं। हथियारों के सौदागर श्याम सिंह तोमर से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उससे हथियार खरीदने वाले कहां और कितने लोग हैं। नए साल के पहले ही दिन पुलिस को मिली सफलता से आला अफसर भी खासे खुश है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे देर रात आप बने रहे न्यूज आज के साथ।